तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5। और गाइस, आज हम करने वाले हैं भाई अपनी इंडियस बाइक के साथ में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चैलेंज। और आप लोगों की काफ़ी टाइम से यार डिमांड आ रही थी कि अनमोल भाई इंडियन बाइक के साथ में भी यार कोई चैलेंज वगैरह किया करो। तो गाइस, फाइनली आज हम अपनी इंडियन बाइक के साथ में यहाँ पे चैलेंज करने वाले हैं। तो गाइस, आप सभी से मैं एक बात पहले ही यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो में जितनी भी बाइक यहाँ पे मैंने यूज़ करी है वो सारी की सारी इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, ना कि वो इंडियन बाइक है। ठीक है, मतलब एक आधी दो अपनी इंडियन बाइक है, वरना अदरवाइज यहाँ पे सारी जो बाइक है वो बाहर कंट्री की है। और गाइस, उसमें ट्विस्ट ये है कि वो जितनी भी बाइक है, मतलब जितनी भी सुपर बाइक हम यूज करने वाले हैं, वो सारी की सारी भाई अपनी इंडिया में काफी ज्यादा फेमस है। तो फटाफट से गाइस जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। और हाँ भाई, मैं तो भूल ही गया यार, आप सभी को यहाँ पे रैम तो मैंने दिखाया नहीं। तो गाइस, ये वाला रैम आप लोगों ने पहले भी देख रखा होगा, मतलब हमने इस पे ऑलरेडी मतलब अपनी इंडियन कार को यहाँ पे टेस्ट कर रखा है। और जो कि है भाई, ये वाला जो रैम आप देख सकते हो, यहाँ पे सिंपली होने क्या वाला है कि अपनी बाइक को यहाँ से भाई जाना है फुल ऑन स्पीड में, और भाई साहब यहाँ से उसको जंप मार के ये पूरी जो रिवर है, मतलब जो एक नदी है, उसको क्रॉस करके उस तरफ जाके लैंड होना है, मतलब जंप करना है। तो अब देखते हैं यार अपनी कौन कौन सी जो इंडियन बाइक रहने वाली, मतलब इंडियन बाइक ने कौन कौन सी अपनी जो बाइक है वो इस चैलेंज को कम्प्लीट कर पाएंगी। और फिलहाल तो आप सभी लोग एक बार यहाँ पे बाइक देख लो गाइस। और गाइस, इस वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्पेशल बाइक मैंने ऐड करी है, और उसकी काफ़ी टाइम से यार डिमांड्स भी आ रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप राइट टाइम है यार उसको ऐड कर लिया जाए, वरना अदरवाइज बहुत सारे लोग यहाँ पे चैनल को भाई अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे। तो गाइज़, यहाँ पे आप सभी लोग एक बार बाइक देख लो कि कौन कौन सी बाइक मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो गाइज़, यहाँ पे सबसे पहले जो बाइक है वो है भाई अपनी सुजुकी की हायाबुसा। और ये बाइक आप सभी को तो पता ही है कि इंडिया में कितनी ज़्यादा फेमस है, और भाई महंगी भी बहुत आती है। और उसके बाजू में अपनी निंजा H2, ठीक है। और फिर है भाई अपनी यामा की R1। तो गाइज़, यहाँ पे सबसे पहली जो बाइक है वो है भाई अपनी सुजुकी की हायाबुसा। और आप सभी को तो पता ही होगा कि भाई अपनी इंडिया में सुजुकी की हायाबुसा कितनी ज़्यादा फेमस बाइक है, मतलब और महंगी भी काफ़ी ज़्यादा आती है। और उसके बाजू में खड़ी अपनी निंजा H2 है, और फिर है भाई अपनी यामा की R15 है, फिर है अपनी KTM RC390 है, और फिर है भाई अपनी जो स्पेशल बाइक है मतलब इस वीडियो की, वो है भाई अपनी रॉयल एनफील्ड की बुलेट 350। तो गाइस, यहाँ पे जो अपनी सबसे नंबर वन की बाइक है वो है सुजुकी की हायाबुसा। और ये वाली जो बाइक है आप सभी को पता ही होगा कि इंडिया में कितनी ज़्यादा फेमस है, और भाई महंगी भी बहुत ज़्यादा आती है। तो गाइस, यहाँ पे अपने पास में एक सुजुकी की हायाबुसा है, और उसके बाजू में खड़ी अपनी निंजा H2R है, और फिर अपनी यामा R15 है, और फिर अपनी KTM RC390 है। और गाइस, जो अपनी स्पेशल बाइक है वो है भाई बुलेट की 350 क्लासिक, और फिर उसके बाजू में खड़ी है भाई अपनी BMW की 1000 RR है, और फिर है भाई अपनी स्प्लेंडर, जो कि मैंने लास्ट टाइम अभी जल्दी में बाय किया। और वो वाली वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी तो आप लोग जाके चैनल पर देख सकते हो, मैंने इसमें ऑफ रोडिंग भी की है भाई अपनी क्या बोलते हैं अपनी स्प्लेंडर बाइक की। फिर अपनी है भाई KTM ड्यूक सुपर 1219, और फिर है भाई अपनी यामा R6, और गाइस उसके बाजू में खड़ी है अपनी निंजा की ZX10R। तो गाइस, इतनी सारी बाइक मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ इस वाली वीडियो में। तो गाइस, फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, यहाँ पे जो सबसे पहली बाइक है वो है भाई अपनी सुजुकी की हायाबुसा। तो देखते हैं यार, जो अपनी सुजुकी की हायाबुसा है वो भाई साहब इस खतरनाक से चैलेंज को यहाँ पे कर पाएगी या नहीं। ओके गाइस, अभी फटाफट से भाई जो अपनी सुजुकी की हायाबुसा है उसको लेके चलते हैं। और बाकी भाई साहब, इस वाली कार मतलब जो बाइक है ना भाई, कार यार, कार की वीडियो बना बना के ना कार बोलने की आदत हो गई है। तो गाइस, इस वाली जो बाइक है ना भाई, इसकी स्पीड सच्ची में बहुत ज़्यादा है। फिलहाल तो अभी देखते हैं कि गाइस ये वाली जो बाइक है भाई साहब इस चैलेंज को कर पाती है नहीं। फिलहाल तो गाइस, जो अपनी बाइक है भाई, उसने जंप तो मार दिया है, और काफ़ी आराम से मतलब जो जंप था वो भाई साहब यहाँ पे, मतलब जो अपनी बाइक है ना वो पार तो आ गई थी, पर इतना भी लंबा जंप नहीं था यार जितना मैंने सोचा था। मेरे को लगा था काफ़ी ज़्यादा दूर जाके भाई ये लैंड होने वाली है, पर ये तो मतलब चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात ये है कि जो अपनी बाइक है ना वो यहाँ पे भाई साहब इस खतरनाक से चैलेंज को यहाँ पे कंप्लीट करके आ चुकी है। हालांकि जो अपने फ्रैंकलिन भैया हैं, इनके यहाँ पे थोड़ी सी क्रैश लैंडिंग हो गई थी, और उस वजह से क्या हुआ था, इनकी थोड़ी सी जो कमर है भाई उसमें फ्रैक्चर आ गया है। तो कोई बात नहीं, अभी फटाफट से जो अपनी बाइक है उसके यहाँ पे साइड में मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि और कहीं पे भाई पार्क करते हैं, क्योंकि अपनी भाई वहाँ से जो बाइक उड़ उड़ के आने वाली तो वो कहीं पे भी आके लैंड हो सकती है। और बाकी यार जो अपनी हायाबुसा है ना, मेरे को लग रहा है भाई इसकी थोड़ी सी यहाँ पे जो हैंडलिंग है भाई वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, क्योंकि जो बाइक है ना वो थोड़ी सी मुड़ने में यहाँ पे दिक्कत दे रही थी। और बाकी यार आप लोग देख सकते हो भाई, फ्रैंकलिन का यहाँ पे ब्लड भी लग चुका है अपनी बाइक के ऊपर, तो अभी मेरे को ये वॉश भी करानी पड़ेगी। और हालांकि ये रिपेयर तो
रिपेयरिंग के लिए तो जाने वाली है ही अपने शोरूम पे। तो फिलहाल तो गाइज अभी इस बाइक को यहीं पे छोड़ते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट बाइक की तरफ। तो ऑलराइट गाइज यहाँ पे हम दोबारा से वापस आ चुके हैं, मतलब अपनी कमर उमर तोड़ा के, और दोबारा से हम करने वाले हैं खतरनाक सा स्टंट। और आप लोग इसी बात पे यार वीडियो को लाइक कर दो यार, आजकल आप लोग लाइक वगैरह नहीं करते हो, और जो लोग चैनल पे नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी बढ़िया बढ़िया या घटिया घटिया वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल तो गाइज यहाँ पे जो अपनी सेकंड बाइक है वो है भाई अपनी निंजा की S2। ये R नहीं है, ये निंजा S2 है, ठीक है, पहले ही आप लोगों को मैं बता दूँ ये अपनी निंजा S2 है। तो देखते हैं जो अपनी बाइक है भाई साहब वो यहाँ पे इस खतरनाक से चैलेंज को कर पाएगी नहीं, फिलहाल तो देखते हैं गाइज क्या होता है। और गाइज यहाँ पे जो अपनी बाइक है भाई काफ़ी ज़्यादा स्पीड में जा रही है, और इसकी जो टॉप स्पीड है गाइज वो थी भाई, मैंने देखी नहीं, आई थिंक से 140 या कुछ थी, 140 प्लस ही थी। और भाई साहब यहाँ पे सेम भाई जो अपनी हायाबूसा की जगह पे आके जो अपनी बाइक है वो लैंड हुई है, और लैंडिंग तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हुई है, मतलब फ्रैंकलिन भाई साहब ने पूरा कंट्रोल यहाँ पे छोड़ दिया था। मतलब मेरे को लग रहा है भाई इसका जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है ना फ्रैंकलिन का, उसमें थोड़ा सा यहाँ पे डैमेज पहुँच चुका है। आप लोग समझ गए भाई, समझने वाले यहाँ पे समझ गए होंगे मैं किस इम्पोर्टेंट पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक जो उसमें थोड़ा सा यहाँ पे डैमेज हुआ है, इसीलिए जो अपने फ्रैंकलिन भाई थे उसके मतलब जो हाथ पैर थे ना वो पूरे ढीले पड़ गए, और इसीलिए आपने देखा भी होगा कि कुछ दूर तक जो अपनी बाइक थी ना भाई वो मतलब फ्रैंकलिन भाई चला ही नहीं रहा, अपने आप ही आई थी। फिलहाल तो गाइज अच्छी बात यह है कि अपनी जो निंजा S2 है ये यहाँ पे भाई साहब इस खतरनाक से स्टंट को यहाँ पे करके मतलब जो चैलेंज है उसको कंप्लीट कर चुकी है। तो इसको यहीं पे छोड़ते हो और बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट बाइक की तरफ। और लेट गाइज यहाँ पे जो अपनी अगली बाइक है वो है भाई KTM RC390, और मैं बैठालना तो भाई इस फ्रैंकलिन को उस पर चाह रहा था अपनी यामा R15 पर यार ये पता नहीं भाई क्या ढीठ बंदा है भाई, इसको KTM RC390 पसंद आ गई है पता नहीं क्या, पर उसी पे आके बैठ गया। हालांकि भाई ये बाइक भी काफ़ी ज़्यादा भाई खतरनाक है अपनी KTM RC, और ये तो हालांकि भाई अपनी आई थिंक से क्या बोलते हैं इंडियन बाइक ही है ना, पर मेरे को यहाँ तक लगता है ये भी अदर बाहर की कंट्री की। आप लोग मेरे को कमेंट में बताना कि जो अपनी KTM RC390 है ये कौन सी कंट्री की बाइक है। फिलहाल तो अभी इसको लेके चलते हैं और देखते हैं कि ये वाली जो बाइक है भाई साहब इस चैलेंज को कर पाती है नहीं। फिलहाल तो गाइस यहाँ पे जो अपनी बाइक है भाई उसकी स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा थी, पर मेरे को लग नहीं रहा है इसके आसार देखे कि कर पाएगी। और गाइस ऑलमोस्ट भाई साहब यहाँ पे एज पे आके मतलब जो आइलैंड का जो एज है ना उस पे आके जो अपनी बाइक है वो लैंड हुई थी। और गाइज ये अपनी बाइक है भाई अभी पानी के अंदर जा चुकी है, मेरे को नहीं पता है कि अब बाहर भी नहीं निकल पाएगी। गाइज जो अपनी बाइक है यार वो भाई साहब यहाँ पे डूब चुकी है, पर अच्छी बात ये है कि ये वाली जो बाइक है इसने भाई चैलेंज तो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। हालांकि चैलेंज के बाद जो अपनी बाइक है वो डूबी है पानी में, तो कोई बात नहीं है उसको हम बाद में निकाल लेंगे। तो अभी बढ़ते हैं यार फटाफट से नेक्स्ट बाइक की तरफ। तो ऑलराइट गाइज अब की बार बारी है भाई अपनी यामा R15 की, तो देखते हैं जो अपनी यामा की R15 है ये भाई साहब इस चैलेंज को कर पाते नहीं। फिलहाल तो गाइज यहाँ पे हेलमेट हम पहले लगाएंगे जरूर, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी फर्स्ट, क्योंकि भाई साहब इस खतरनाक से जो चैलेंज है ना भाई इसमें कुछ भी हो सकता है। आपने देख ही रखा होगा यार दो बार जो फ्रैंकलिन है भाई साहब उसका मतलब क्या हाल हुआ। तो लेट्स सी देखते हैं गाइज इस बार जो अपनी बाइक है वो कर पाती है नहीं। फिलहाल तो गाइज यहाँ पे जो अपनी बाइक है भाई उसने जंप तो काफ़ी तगड़ा मारा है, और देखना होगा। और भाई साहब यहाँ पे इसकी भी जो लैंडिंग है ना भाई सेम KTM RC390 की तरह हुई है, और क्या ये बाइक जो बाहर निकलेगी? तो जी नहीं गाइज, ये वाली बाइक भी भाई अपनी पानी में डूब चुकी है। पर अच्छी बात यह है कि भाई साहब ये वाली जो बाइक है ये भी भाई इस चैलेंज को यहाँ पे कंप्लीट कर चुकी है। तो फिलहाल तो भी इस बाइक को यहीं पे छोड़ते हैं और बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट बाइक की तरफ। ओके गाइस इस बार बारी है भाई अपनी बुलेट की, और देखते हैं जो अपनी रॉयल एनफील्ड की बुलेट है भाई साहब ये यहाँ पे भाई साहब इस चैलेंज को कर पाएगी नहीं। फिलहाल तो मेरे को इस वाली बाइक पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, बिकॉज गाइस आप सभी को पता ही है कि जो अपनी बुलेट बाइक है ना वो स्पोर्ट बाइक नहीं है, तो मे बी ये इस वाली बाइक के लिए जो चैलेंज है वो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। और बाकी भाई साहब एक बार इसका साउंड सुनो यार आप भाई, एकदम रियलिस्टिक साउंड लगता है भाई इस बुलेट का। फिलहाल तो अभी हम साउंड वगैरह बाद में कभी सुनेंगे, देखते हैं यार जो अपनी ये वाली जो बाइक है वो इस चैलेंज को कर पाएगी नहीं। फिलहाल तो गाइस जो अपनी बाइक है भाई उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है, और 140 की टॉप स्पीड रही है, अभी देखना होगा कि क्या ये कर पाती है। और गाइस यहाँ पे जो अपनी बुलेट है भाई उसने कर तो दिया था, पर भाई साहब यहाँ पे लैंडिंग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हुई है, और भाई साहब जो अपनी बाइक है वो यहाँ पे भाई सेफ तो बच गई ना, मेरे को लगा था भाई ये गई, पर जी नहीं गई। यहाँ पे जो अपनी बुलेट है ना भाई, मतलब यार ये वाली जो बाइक है ना भाई एकदम लोहा लाट बाइक है, मतलब इतनी ज़्यादा भाई तगड़ी है कि इस वाली बाइक को भाई कुछ होता ही नहीं है। मतलब आप सभी को तो पता ही होगा कि ये वाली बाइक भाई कितनी ज़्यादा खतरनाक है भाई, इसको छोटी मोटी मतलब चोटें से कुछ होता ही नहीं है। फिलहाल तो भाई साहब यहाँ पे यार जो अपनी बाइक है ना वो उसका इंजन अभी आई थिंक से बंद पड़ चुका है, बिकॉज गाइज आप सभी को पता ही होगा कि ये वाली जो बाइक्स होती हैं इनका एग्जॉस्ट कितना ज़्यादा नीचे होता है, और इसीलिए क्या होगा
जो उसके भाई इंजन में आई थिंक अभी पानी जा चुका है, तो मेरे को यार इसको सर्विसिंग के लिए भेजना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं है, वो हम कराते रहेंगे। फिलहाल तो गाइस अभी फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट बाइक की तरफ। तो ऑलराइट गाइस, इस बार बारी है भाई अपनी BMW 1000RR की। अब देखते हैं यार जो BMW की 1000RR है ये यहाँ पे भाई सब इस चैलेंज को कर पाती है। और हाँ, आप लोग ये भी देखते रहना कि सबसे ज्यादा जो लंबा जंप है भाई वो कौन सी बाइक ने मारा है। फिलहाल तो अभी तक जितनी भी बाइक है ना वो एक दूसरे के बराबर ही रही है, मतलब किसी ने भी अभी तक इतना ज़्यादा लंबा जंप नहीं मारा कि भाई उसने अपना रिकॉर्ड यहाँ पे सेट कराओ। फिलहाल तो भाई जो अपनी बाइक है उसने भाई यहाँ पे जंप तो मार दिया है, और मेरे को लग रहा है ये पानी में गिरने वाली है। और गाइज यहाँ पे जो अपनी BMW की 1000RR है ना भाई, ये मतलब आप लोग मेरे को कमेंट में बताना कि ये वाली जो बाइक है इसने भाई जो चैलेंज है वो रफली तरीके से कराया या नहीं। बिकॉज हालांकि इसने कर तो लिया था, पर जो बिल्कुल एज, मतलब जो एज होता है ना, एज वाला पॉइंट, वहाँ पे आके मतलब हालांकि पानी में आके गिरी है, तो मे बी यार मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है। वो ये चीज़ मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों की नज़रों में जो अपनी BMW की 1000RR बाइक थी वो यहाँ पे इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाई या नहीं। तो फिलहाल तो अभी इस बाइक को यहीं पे छोड़ते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट बाइक की तरफ। तो ऑलराइट गाइस, इस बार बारी है भाई अपनी हीरो की स्प्लेंडर की। और आप सभी को तो पता ही होगा कि भाई साहब ये वाली बाइक भाई इंडिया में मतलब कितनी ज्यादा फेमस है भाई। आजकल मतलब किसी भी घर पे चले जाओ ना, मतलब कितना भी भाई छोटा भी बंदा होगा ना उसके पास भी ये वाली बाइक जरूर से आपको देखने को मिलने वाली है। बिकॉज गाइस ये वाली बाइक मतलब बहुत ही ज्यादा बजट बाइक है, तो इसीलिए और जो इसीलिए ये वाली जो बाइक है इंडिया में काफी ज्यादा फेमस है। फिलहाल तो देखते हैं यार जो अपनी ये भाई 100cc की जो बाइक है ना ये इस चैलेंज को कर पाएगी नहीं, ये इस वाली बाइक के लिए मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डाउट हो रहा है। फिलहाल तो देखते हैं जो अपनी स्प्लेंडर है भाई ये कर पाएगी नहीं। फिलहाल स्पीड तो काफ़ी बढ़िया है और इसने भाई जंप तो यहाँ पे मार दिया है। और गाइस क्या ये, ओ भाई साहब यहाँ पे गाइस अपनी भाई मारना पड़ेगा यार। स्प्लेंडर गाइस सच्ची में यार काफ़ी ज़्यादा भाई तगड़ी बाइक है यार। भाई सब आप लोगों ने देखा ना भाई जो अपनी बाइक है उसने ये चैलेंज काफ़ी इजीली कर लिया। हालांकि ये वाली जो बाइक है वो पानी में जाके गिर चुकी है, बिकॉज आप सभी को पता ही है यार मतलब इतना लंबा जंप मारना और वो भी भाई सब एक खड़े आइलैंड पे, मतलब सेफ जंप तो नहीं होने वाला है। फिलहाल तो यार अच्छी बात यह है कि जो अपनी स्प्लेंडर है भाई साहब इसने इस चैलेंज को भाई काफ़ी बढ़िया तरीके से कराया है, और जो अपनी BMW की 1000RR है ना उससे कई गुना भाई अच्छा कराया है। तो इसी बात पे यार आप लोग वीडियो को लाइक जरूर से कर देना भाई अपनी स्प्लेंडर के लिए। तो फिलहाल तो अभी इस बाइक को यहीं पर छोड़ते और बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट बाइक की तरफ। तो ऑलराइट गाइस, इस बार बारी है भाई अपनी KTM ड्यूक सुपर 1219 की। और इस वाली बाइक का भाई नाम इतना ज़्यादा लंबा है ना कि यार लेने में सच्ची में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, और कई बार तो मैं भाई कन्फ्यूज ही हो जाता हूँ कि मेरे को समझ में नहीं आता भाई इस बाइक का नाम एक्चुअल में है क्या। फिलहाल तो गाइस इस वाली बाइक की भाई अब तक की सबसे ज़्यादा स्पीड रही है इस चैलेंज में, और आई थिंक से काफ़ी लंबा जंप मारने भी वाली है। पर गाइस यहाँ पे भाई मतलब खोदा पहाड़ और निकली चुकी है भाई। स्पीड तो काफ़ी सही थी, मतलब 160 की इसकी टॉप स्पीड थी मैंने देखा था, और आप लोग मेरे को बताना कमेंट में कि इसकी टॉप स्पीड क्या रही। पर जो जंप था ना वो उतना ज़्यादा लंबा नहीं था, मेरे को लगा था यार बाकी सारी बाइक से ये काफ़ी लंबा मारेगी। बिकॉज अभी तक क्या हो रहा था कि जितनी भी बाइक थी वो मैक्सिमम भाई 140 प्लस की स्पीड जा रही थी, पर ये वाली बाइक ने भाई 160 की टॉप स्पीड यहाँ पे अचीव करी थी। तो ये देख के लगा था कि एक बार की जो अपनी बाइक है काफ़ी लंबा जंप मारने वाली है, पर ऐसा सिनेरियो में यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो कोई बात नहीं है, इस बाइक को अभी यहीं पे छोड़ते और बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट बाइक की तरफ। ऑलराइट गाइस, इस बार बारी है भाई अपनी यामा R6 की। और देखते हैं जो अपनी यामा की R6 है भाई साहब ये इस चैलेंज को कर पाती है नहीं। तो लेट्स सी गाइस, देखते हैं क्या होता है। और भाई साहब यहाँ पे जो अपनी बाइक है काफ़ी ज़्यादा भाई जोश में तो जा रही है, आप देखना होगा। और भाई साहब इसकी तो स्पीड भाई, ओ भाई साहब KTM ड्यूक सुपर से भी ज़्यादा थी। और गाइस यहाँ पे इसने इस वाली बाइक ने भाई अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया भाई। ये वाली बाइक ने अब तक का सबसे ज़्यादा लंबा जंप करा है मेरे को यहाँ तक लग रहा है। पर यार ये वाली बाइक ने तो यहाँ पे गिरी थी, पर ये ब्लड तो यहाँ पे पड़ा है। तो आई थिंक यहाँ पे भाई अपनी सुजुकी की हायाबूसा आई थी आई थिंक से, मेरे को पता नहीं है। आप लोग मेरे को कमेंट में बताना कि ये वाली बाइक ने सबसे ज़्यादा लंबा जंप मारा था नहीं, क्योंकि यार इस वाली बाइक की तो भाई स्पीड भाई 170 प्लस हो गई थी यार। तो आई थिंक से इस वाली बाइक ने सबसे ज़्यादा लंबा जंप मारा है। फिलहाल तो आप लोग मेरे को बताना कमेंट में कि कौन सी बाइक ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा लंबा जंप मारा है इस वीडियो में। तो फिलहाल तो अभी इस बाइक को यहीं पे छोड़ते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट बाइक की तरफ। तो ऑलराइट गाइस, इस बार बारी अपनी लास्ट बाइक की जो कि है भाई अपनी निंजा ZX10R। आप देखते हैं भाई साहब ये निंजा की भाई कावासाकी जो निंजा की बाइक है ना भाई, ये मतलब क्या ही बताऊँ भाई, एक नंबर मेरे को लगती है भाई स्पोर्ट बाइक में, मतलब जहर है यार सच्ची बताऊँ तो। फिलहाल तो देखते हैं कि ये वाली जो बाइक है भाई साहब यहाँ पे कितना लंबा जंप मारने वाली है और इसकी टॉप स्पीड क्या रहेगी। फिलहाल तो गाइस आई थिंक से इसकी भी 170 की यहाँ पे टॉप स्पीड रही है। और गाइस इसने भी ऑलमोस्ट मतलब भाई अपनी यामा R1
R16 की तरह ही भाई जम मारा, मतलब जो अपनी यामा R6 थी उससे ही, मतलब कंपैरिजन में मेरे को लग रहा है कि मतलब ऑलमोस्ट मतलब उसी के बराबर ही इसने जंप मारा था आई थिंक से। आप लोग मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कि इस वाली वीडियो में भाई सबसे लंबा जंप कौन सी वाली बाइक ने मारा था। तो बस गाइज आज की वीडियो अभी के लिए फिलहाल हम यहीं पे एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को जरूर से अच्छी लगेगी। गाइज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो गाइज मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।